Hello everyone and welcome to our channel Meraki YouTube. In this video, we will be studying scientific management theory given by Frederick Winslow Taylor or F.W. Taylor. इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है जो पार्ट वन है वो नहीं देखी है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पहले आप वो देखें ताकि आपको सारा जो कंसेप्ट है वो सीरियल वाइज क्लियर हो जाए. राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय F.W. टेलर. नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच में, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में फर्स्ट थ्योरी थी जो कि सिस्टमैटिक थी, कोहरेंट थी. इससे पहले भी थ्योरीज बनने, थ्योरी बिल्डिंग की कोशिश हुई, लेकिन ये पहली थ्योरी थी जो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में दी गई, जो कोहरेंट थी, जिसमें फ्लो था. राइट, तो दिस वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो टेलर ने नहीं दी. वो किसने दी? इट वॉज कॉइंड बाय लुइस ब्रांडीज इन 1910. लुइस ब्रांडीज इन 1910, लुइस ब्रांडीज ने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है उसको कॉइन किया 1910 के अंदर. लेकिन टेलर वो इंसान थे जिन्होंने इस टर्म को यूज़ करके साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स दिए ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो इंक्रीज हो सके. तो क्योंकि इसको टेलर ने प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में यूज़ किया तो हम इसको एसोशिएट करते हैं F.W. टेलर के साथ, और इसलिए F.W. टेलर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एंड ऑल्सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कॉल्ड टेलरिज्म. साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम टेलरिज्म भी बोलते हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द थ्योरी हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं टेलर के बारे में. तो टेलर ऐसे दिखते थे, यू कैन लुक एट द पिक्चर. मैंने जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर भी इनकी पिक्चर दी है. क्यों? क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडिंग इन मास्टर्स तो मुझे पता ही नहीं था कि टेलर दिखते कैसे हैं. सो आई यूज टू एसोशिएट टेलर विद माई टीचर. मुझे लगता था जैसे मेरे टीचर हैं तो वैसे ही शायद टेलर दिखते होंगे. ऑल दो फनी, बट हमें इससे क्या होगा, अगर हम पिक्चर देख लेंगे तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ अच्छा, हाँ टेलर ऐसे दिखते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे. तो इट बिकम्स अ लिटल ईजियर. राइट, तो ऐसे हमारे टेलर दिखते थे. नाउ टेलर वॉज बॉर्न इन अ जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया ऑन मार्च 20, 1856 पेंसिल्वेनिया जो जर्मन टाउन था उसमें इनका जन्म हुआ. 18 साल की उम्र में उन्होंने विदाउट वेज एज एन अप्रेंटिस, जिसे हम इंटर्नशिप कहते हैं, वैसे काम करना स्टार्ट कर दिया, और बाद में वो लेबर की तरह कुछ सालों तक उन्होंने काम किया. 1884 के अंदर जब वो 28 साल के थे, व्हेन ही वाज 28 इयर्स ओल्ड, तो टेलर रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर. वो चीफ इंजीनियर की पोजीशन तक पहुँच गए. 1890 में वो जर्नल मैनेजर बन गए. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी मेने के अंदर, वहाँ पे उन्होंने जर्नल मैनेजर की तरह ज्वाइन कर लिया जब वो 34 इयर्स के थे. राइट, तो उन्होंने एक जर्नल मैनेजर की तरह एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया. और उसके बाद 1901 से 1915 जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, उन्होंने अपना सारा टाइम रिसर्च वर्क को दिया. वो रिसर्च करते रहे. कब से कब तक? 1901 से लेकर 1915 तक वो रिसर्च वर्क में लगे रहे. तो इनका जन्म भी मार्च में हुआ, इनकी डेथ भी मार्च में हुई. इनफैक्ट 2-3 डेज बिफोर ही अगर हम देखें तो इनकी डेथ एनिवर्सरी भी हम कह सकते हैं कि गई है. राइट, अब उनकी मेन कंट्रीब्यूशंस क्या थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में? उन्होंने कुछ पेपर्स लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं. वो कौन कौन से थे? नंबर वन, अ पी स्टेट सिस्टम 1895. नंबर टू, शॉप मैनेजमेंट 1903. नंबर थ्री, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906. नंबर फोर, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911. तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे लास्ट में थे. सबसे पहले पी स्ट्रेट सिस्टम की बात करी, उसके बाद शॉप मैनेजमेंट की बात करी, और उसके बाद आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स. तो नेट के जगह जैसे एग्जाम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो इनकी क्रोनोलॉजी वो पूछ लेते हैं. राइट, अब आगे हम चलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे. नाउ स्टूडेंट्स, आपको इन थ्योरीज के ऊपर मटेरियल तो हर जगह मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा. मेरा काम यहाँ पे क्या है कि उसी मटेरियल को मैं कंसाइज तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसको हम फोर एरियाज में या फोर हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं. तो फोर हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं. पहले हम देखते हैं वो फोर हेडिंग्स कौन कौन सी हैं. राइट, नंबर वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस फॉर रिड्यूस प्रोडक्शन. हमें पता है कि जो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी उनकी प्रोडक्शन कम हो गई थी, तो उनके कारण क्या थे. टेलर ने जानने की कोशिश करी कि उनके कारण क्या थे कि प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है, मेन रीजंस क्या हैं. नंबर टू, एजम्पशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर हम थ्योरी कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस होंगी, तो टेलर ने कौन कौन सी एजम्पशंस रखी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, वो. नंबर थ्री,
प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं। नंबर फोर, एलिमेंट्स और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स के बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को अगर हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन करनी है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे। तो ये चार हमारी जो है हेडिंग्स हैं जिनके अंदर हम टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी स्टार्ट टेलर ने नहीं करी, उससे पहले भी कुछ थिंकर्स थे, कुछ लोग थे जो काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल चार्ल्स बैबेज हैं और हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन फर्स्ट जो वो हैं जो थिंकर हैं जो उस पर काम प्रॉपरली कर पाए, उसको परसिस्ट कर पाए और उसमें इंटरेस्ट जगा पाए, वो हमारे टेलर हैं। तो इसलिए हम जो नाम है उसको टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है या इनका जो ज़्यादातर काम है वो वुड्रो विल्सन से भी पहले के टाइम का है, मतलब वुड्रो विल्सन जिनको हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उनसे पहले ही इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉपुलर है ये बाद में हुई, तो इसको ये लाइमलाइट में बाद में आई, लेकिन काम इनका वुड्रो विल्सन से भी पहले है। अब हम क्या करेंगे, एक एक हेडिंग को डिटेल में देखते हैं। ये जो स्लाइड है मैं बार बार दिखाऊंगी ताकि आप भूले नहीं कि फोर हेडिंग्स जो थी वो कौन कौन सी थी, राइट। नाउ फर्स्ट हेडिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस फॉर रिड्यूस प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन कम हुई हुई थी उसके रीजंस क्या थे उनको हमें जानना था। तो टेलर ने कोशिश करी जानने की और काफ़ी सारे रीजंस सामने आए, उनमें से जो दो मेजर रीजंस जो सामने आए वो थे सोल्जरिंग नंबर वन एंड नंबर टू इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट। सोल्जरिंग एंड इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट, अब हमें एक एक करके देखते हैं। नाउ कमिंग टू सोल्जरिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सोल्जरिंग क्या है, दिस रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द एम्प्लॉयज टू रिस्ट्रिक्ट द वर्क आउटपुट। जो एम्प्लॉयज की एक टेंडेंसी होती है, एक नेचुरल अंदर से वो कोशिश करते हैं कि जितनी वर्क आउटपुट उनको देनी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें, उसे कम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं या करने हैं उनको ऑफिशली, तो वो कोशिश करेंगे 10 ना करके 8 या 7 पर अपनी आउटपुट लिमिट कर दें, राइट। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी सोल्जरिंग की। अभी सोल्जरिंग जो है टेलर ने देखा दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी, एक है नेचुरल सोल्जरिंग जो नेचुरल है और एक है सिस्टमैटिक सोल्जरिंग। अब इनको हम देखते हैं। नेचुरल सोल्जरिंग में क्या है, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द आउटपुट ड्यू टू इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल लेजीनेस, शाइनेस, इनकैपेबिलिटी एट्सेट्रा। नेचुरल सोल्जरिंग क्या है कि कोई अगर वर्कर है वो अपनी उसके अंदर की क्वालिटी कह लो या नेगेटिव क्वालिटी कह लो कि वो काम नहीं कर पा रहा या वो आउटपुट कम दे पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर लेजी है, काम करना नहीं चाह रहा, शर्मा बहुत रहा है, या वो फिजिकली इतने ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता, तो ये उसके नेचुरल रीजंस हो गए जिसके कारण वर्क आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो रही है। टेलर ने क्या कहा कि नेचुरल सोल्जरिंग जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे, पर्सुएशन से या थ्रेट से, पर्सुएड करके या उसको डरा धमका कर कि तुमने अगर काम नहीं किया तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, हम नेचुरल सोल्जरिंग ठीक कर सकते थे। अब बारी आती है सिस्टमैटिक सोल्जरिंग की, ये मेन रीजन था जिसके कारण जो हमारी प्रोडक्शन थी वो कम आ रही थी। ये क्या है, इट इज़ रिडक्शन इन द आउटपुट डन डेलीबरेटली बाय द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज, जानबूझकर वो कम आउटपुट दे रहे थे। अब इसका कारण क्या था, कारण को देखते हैं। कारण ये था कि उस टाइम पर जो वर्कर्स थे उनको जो सैलरी मिलती थी वो अटेंडेंस के हिसाब से मिलती थी, ना कि कितना काम किया है उस बेस पे, राइट। तो अब जितने दिन आप अटेंडेंस होंगे, जितने दिन आप प्रेजेंट होंगे, उतने दिनों का आपको पैसा मिलेगा। तो वर्कर्स से कोशिश करते थे कि जितना काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लटका सकें, ताकि उनके नंबर ऑफ डेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल टोटल काम हमें सपोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो एक दिन में उनको 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, राइट। तो 10 × 10 हमारा 100 हो गया, 100 हो जाएगा। कोशिश ये क्या करते थे कि 10 ना करके कम कर दें, ताकि सपोज 8 कर दें, ताकि जो नंबर ऑफ डेज है वो इंक्रीज हो जाए और उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाए, राइट। तो ये कारण था सोल्जरिंग का और यही मेन रीजन था कि आउटपुट जो कम आ रही थी, राइट। अब हम नेक्स्ट रीजन देखते हैं। फर्स्ट रीजन हमने देख लिया सोल्जरिंग की, आउटपुट कम क्यों आ रही थी। सेकेंड रीजन क्या था, इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट। पहले हम समझते हैं इसको, रूल ऑफ थंब क्या होता है। तो अर्लियर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी
उसमें काम करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं था इसको हम, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड और अनरेगुलेटेड तरीका था उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब वे ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टेलर ने क्या देखा कि द मैनेजर्स वर लेजी, बहुत सुस्त थे एंड डिड नॉट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली, जो उनके काम थे फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग का है, डायरेक्शन देने का है, वो उसको सीरियसली नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि जो लेबरर्स थे उनको तो काम करना था अपनी सैलरीज के लिए, तो उनको खुद ही इनिशिएटिव लेने पड़ रहे थे। जो लेबरर्स थे, द लेबरर्स डिड द वर्क फॉर इंसेंटिव्स और सैलरीज एंड हैड टू टेक इनिशिएटिव्स ऑन देयर ओन। अब क्योंकि लेबरर्स इनिशिएटिव खुद ले रहे थे और उन इंसेंटिव्स के लिए काम कर रहे थे, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट, राइट? इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट। टेलर ने क्या कहा कि इसमें, इसको देखते हुए कि मैनेजमेंट शुड टेक अप इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, कि मैनेजमेंट को ज़रूरत है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली ले, चाहे चाहे वो प्लानिंग की है, चाहे वो डायरेक्शन की है, जो भी है उसको अपना काम खुद करना चाहिए, राइट? तो ये हमने डिस्कस कर ली प्रॉब्लम्स क्या थी रिड्यूस्ड आउटपुट की। अब हम फिर से उसी स्लाइड पर वापस आते हैं जिसपे हमने कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम चार हेडिंग्स में पढ़ेंगे। तो हमने एक हेडिंग कंप्लीट कर ली है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस फॉर रिड्यूस प्रोडक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट, एजम्पशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इस थ्योरी की एजम्पशंस क्या हैं, राइट? तो इस थ्योरी में तीन एजम्पशंस हैं, तीन एजम्पशंस टेलर लेके चलते हैं। नंबर वन इज द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। उस टाइम पे रूल ऑफ थंब चल रहा था, तो रूल ऑफ थंब की जगह अगर हम कोशिश करें साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, अ गुड वर्कर इज वन हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन बट एक्सेप्ट्स द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट। गुड वर्कर कौन सा है, जो खुद कोई एक्शन ना ले, डज नॉट कोई एक्शन ना ले बट एक्सेप्ट्स द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट। तो मतलब जो मैनेजमेंट कह रही है आपको बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, वही एक अच्छा वर्कर है, ना कि वो जो खुद काम इनिशिएट करे, राइट? नंबर थर्ड इज एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन एंड इज मोटिवेटेड बाय मॉनिटरी फैक्टर्स। हर आदमी, हर वर्कर जो है एक इकोनॉमिक मैन है और उसको मोटिवेट किया जा सकता है मॉनिटरी फैक्टर्स के द्वारा। वो मोटिवेट होता है पैसे को देखकर, आप उसे पैसे देते जाइए और काम लेते जाइए। तो ये तीन एजम्पशंस हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन की हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अच्छा वर्कर वो है जो खुद एक्शन ना ले लेकिन सिर्फ ऑर्डर्स माने। और तीसरा क्या है कि जो हर वर्कर है, इंसान है, वो एक इकोनॉमिक मैन है, राइट? अब हम दो हेडिंग्स हमने कर ली है, तीसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी टेलर ने, उसके सिद्धांत क्या है, इसके फोर प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। काम के जो करने का तरीका है उसको हम एक साइंस की तरह करें, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स। तो टेलर ने क्या कहा, द मैनेजमेंट शुड डिफाइन द गोल्स, जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एवरी अदर आस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है आप उसको पहले वेल डिफाइन कर दीजिए, गोल्स क्या क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या काम है, जॉब्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको वेल डिफाइन कर दो। देयरफोर इट शुड स्टडी एंड एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली। जब वेल डिफाइंड हो जाए उनको हम उसका साइंटिफिक एनालिसिस करें। अब साइंटिफिक एनालिसिस करने से क्या होगा, हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका निकल आएगा, एक बेस्ट तरीका हर काम को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने का एक तरीका निकल आएगा जो कि बेस्ट होगा। दिस साइंटिफिक स्टडी विल रिजल्ट इन वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। और अगर हम हर काम का ऐसे एक बेस्ट बेस्ट वे निकाल लें तो ऑटोमेटिकली एक हमारी स्टैंडर्ड हम डेवलप कर लेंगे, हर काम को करने का स्टैंडर्ड डेवलप कर लेंगे। और ऑटोमेटिकली अगर हम उन स्टैंडर्ड्स को अपनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स और डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इसमें टेलर ने क्या कहा, द वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबरर्स हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद ट्रेन भी हम उनको साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से करें। अब इसका क्या मतलब है, पहले क्या होता था, एक बार सिलेक्शन हो गया
तो वर्कर अपने हिसाब से कोई ना कोई काम चुन लेता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर इन्होंने कहा, टेलर ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक जॉब जो है उस पे वर्कर उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें अपॉइंट करना है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट, एंड द मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट वर्कर्स एडजस्ट टू द न्यू मेथड्स विलिंगली। और क्योंकि अब उनको मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है उनके हिसाब से, तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि वर्कर्स उस नए काम को विलिंगली अडॉप्ट कर सकें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, दो जो प्रिंसिपल्स हैं। नाउ थर्ड प्रिंसिपल इज द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड वर्कर्स हु आर साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेन। अब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या किया, काम करने का एक साइंटिफिक तरीका निकाला, ठीक है, काम करने का साइंटिफिक तरीका निकाला। दूसरे में हमने क्या किया, वर्कर्स को सिलेक्ट और ट्रेन किया साइंटिफिकली। अब टेलर ने क्या कहा, इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है, मतलब काम करने तरीके को जो प्रिंसिपल वन था प्लस प्रिंसिपल जो बी था जिसमें हमने सिलेक्ट करे हैं उनको, साइंटिफिकली सिलेक्ट और ट्रेन किया है वर्कर्स को, इनको हमें इकट्ठे लेके आना है। टेलर ने क्या कहा, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी नहीं है। आप जितना भी कोशिश कर लो, आप स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लो, आप लोगों को ट्रेन कर लो सिस्टमैटिक तरीके से, लेकिन जब तक एब्सेंस ऑफ हार्मनी है, हार्मनी नहीं है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हिम इन्वॉल्व्ड अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजर्स। मैनेजर्स और वर्कर्स के पार्ट पर एक पूरा मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेंटल रेवोल्यूशन क्या है। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है कि जो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं वो ये माने कि जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनका फायदे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, राइट। तो अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, और वो जो इंक्रीज आउटपुट है वो दोनों को बेनिफिट करेगी, चाहे वो वर्कर्स हैं और चाहे वो मैनेजर्स हैं। तो रादर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इज पॉसिबल, दोनों की प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है, ना कि सिर्फ वर्कर्स की और या फिर ना सिर्फ मैनेजर्स की, दोनों की प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है अगर वो मान लें म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों की प्रॉस्पेरिटी जो है, दोनों का फायदा हो सकता है। ये क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। अब जैसे कि टेलर ने देखा कि उस टाइम पे जो मैनेजर्स थे वो अपनी लेजी थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर सारा बर्डन वर्कर्स पे शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो टेलर ने क्या कहा कि उनको अपना बर्डन शिफ्ट नहीं करना है, बल्कि दोनों में जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी अनड्यू बर्डन टू ईदर ऑफ द टू। तो ये थे हमारे चार प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। अब नोट ये करना है कि इनमें से कोई भी प्रिंसिपल अलग से साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, अलग से चार प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि चारों का कॉम्बिनेशन जो है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर प्रिंसिपल्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कलेक्टिवली दे फॉर्म द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इस थ्योरी को, ये जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग बुक्स में, इन पांच पॉइंट्स के अंदर, हम पांच पॉइंट्स देखेंगे अभी, समराइज किया हुआ है। लेट्स सी वो फाइव पॉइंट्स कौन से हैं। नंबर वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब ना मानकर हमने साइंस को मानना है। सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में एंड मैनेजमेंट के बीच में। नंबर थ्री इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म नहीं कोऑपरेशन करनी है, जब हम मेंटल रिवोल्यूशन की बात करते हैं आपस में मिलके काम करना है। नंबर फोर इज मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, जितना आप आउटपुट दे सकते हैं उतना आउटपुट दें, सोल्जरिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच टू ग्रेटेस्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, हर इंडिविजुअल चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मैनेजर हो, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसकी प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये पांच प्रिंसिपल्स, जो चार प्रिंसिपल्स थे उनको हम समराइज कर सकते हैं इन पांच पॉइंट्स के अंदर, राइट। आगे देखते हैं,
अब हमने इसके अंदर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की मैंने आपको कहा था, चार हेडिंग्स थी, कौन कौन सी, आइडेंटिफिकेशन, एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट। इसमें से हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया है, एजम्पशंस भी कर लिया है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स है, जिसके अंदर हम टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, एक्सेप्शनल प्रिंसिपल, ये सारे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और साथ में हम करेंगे लिमिटेशंस क्या रही साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। मैंने चाह रही थी कि एकदम से ज़्यादा हैवी हो जाए, तो ये जो दो जो एलिमेंट्स रह गए हैं प्लस जो लिमिटेशंस रह गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, दैट आई विल पोस्ट टुमारो, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये बेनिफिट कर सके, राइट? एंड इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एज सून एज अ न्यू वीडियोज़ अपलोडेड। प्लीज़ स्टे एट होम एंड प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।